बहुत खूब जनाब अजीज नबी, आपने नौजवान समातों को बेदार किया। दरअसल होता ये कि जिस क्षेत्र पर ये लोग दाद नहीं देते उस दौर में ये आपका वीडियो बना रहे होते हैं दोस्तों को दिखाने के लिए, ये आने वाले वक्त में काम आएगा, इसलिए आप बेफिक्र हैं, दाद भरपूर मिल रही है हमको और मिलती रहेगी। क्योंकि मुशायरा जिस हिसाब से आप लोगों ने मुनक्किद किया है, ये आपका मुशायरा है, आप ही को चलाना है और आप ही को इसको कामयाबी बनाना है। तो दोस्तों मैं चार मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद एक शायर को आवाज़ दूंगा और मुशायरा कहाँ पहुँचेगा आप समझ सकते हैं। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया, समझ रहे हैं ना, जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया, अपने दरवाजे में मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल गया। फख्र मध्य प्रदेश, उर्दू गजल की आबरू, हम सब के जाने पहचाने हर दिल अजीज शायर जो कि सारी दुनिया में बुलाए जाते हैं, आज की शब्द हमारे साथ हैं। हालांकि ये वक्त और मौका उनको बुलाने का नहीं है, क्योंकि जब वो आते हैं तो फिर उसके बाद कोई नहीं आ सकता, लेकिन मजबूरी है हमारी। वक्त और हालात की मजबूरी के साथ साथ खुद उनकी भी कुछ मजबूरी है, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर तशरीफ लाए डॉक्टर राहत इंदौरी। आदाब दोस्तों, मुझे किसी ने बताया तो बेसर के लिए मैं कर रहा हूँ कि मैं टैगोर यूनिवर्सिटी में आज से पहले ही किसी मुशायरे में मरहूम प्रदीप चौबे के साथ आया था, लेकिन सर मैं इतने मजमे के सामने ये बात कबूल करता हूँ और माफ़ी भी चाहता हूँ कि होश में मैं पहली बार ही आया हूँ और मेरा ख्याल तीसरे चार लोगों ने पढ़ लिया, सबने यही कहा कि ये नहीं, मैं अभी बोला ही नहीं और आपको शिकायत होना शुरू हो गई। मैं जब बोलूँगा तो इंशाल्लाह आवाज़ आएगी, आप मुझमें ही रहेंगे। अगर राहत इंदौरी की आवाज़ अगर नहीं आए तो फिर तो क्या है, मर जाने चाहिए। मैं दोस्तों बरसों का इस शहर से साथ है मेरा, बरसों मोहब्बत बटोरी है, मैंने यहाँ से इश्क किया है, दो बरस से बहुत लगातार मुसलसल बीमार चल रहा हूँ, आपका ऑपरेशन हुआ है, आधी दुनिया भिन्न दुनिया झंडी झंडी दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा एहसास है जो मुझे अंदर से बाहर तक रोशन और मनोवर रखे हुए हैं, वो ये कि मेरे सामने भोपाल के बहुत ही खूबसूरत शहर बैठ गए हैं। मैं इंशाल्लाह घाटी में नहीं हूँ, मेरे काम का चीज मेरे सामने बहुत मिलती है। अर्ज करता हूँ कि अपना आवारा सर झुकाने को मुझे कुछ भी कहने की जरूरत ना पड़े अब, इसलिए कि आप जानते हैं कि राहत इंदौरी को किस तरह सुना जाना चाहिए। अर्ज करता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, डोर स्टेप्स को कहते हैं दहलीज। अर्ज करता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं और फिर कुछ दिखाई दे के न दे काम की चीज देख लेता हूं और फिर कुछ दिखाई दे न दे और फिर कुछ दिखाई दे के न दे
काम की चीज देख लेता क्या कह रहा है साहब। नदी में धूप से क्या यार, थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाना बंद कर दे तो मेरी मेरी हालत का फायदा हो जाएगा। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए मेरे सामने। एक कैंपेन चला हमारे देश में मी टू, तो वो बड़ी उलझन पैदा होगी साहब कि 20 बरस पहले आपने ऐसा कह दिया था, काम आज शुरू हो जाता। मेरा प्रॉब्लम ये हो गया कि सवेरे चाय की प्याली के साथ जब अखबार उठाता हूँ तो हाथ कांपता है और जल्दी जल्दी देखता हूँ कहीं तस्वीर मिली तो कहीं नहीं। इधर भोपाल के नौजवानों के लिए शेर पढ़ रहा हूँ, मजे से सुनिएगा। एक बार मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए तो फिर हम दोनों साथ सफर करेंगे। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, एक उधर कुछ ज्यादा ऐसा लगता है भुट्टे में है कि अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। तेरी परिचय नई गजल है, दो गजलें नहीं कही हैं उनके, दोनों के दो दो तीन दिन शेर सुनाऊंगा बस, ताकि मेरा आपका कर्ज भी अदा हो मेरा फर्ज भी अदा हो। सुनो, कह रहा हूं कि तेरी परछाई, लेकिन जरा जिंदा लगे मुझे, थोड़ा सा मर्दाने में पढ़ने का जाना है। कहता हूं कि तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती, आपको कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, ये है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती। आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, ये है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। साहब भोपाल करके भोपाल के हवाले, ये है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है, कहता हूं कि दुख तो ये है, सुन के बता दीजिएगा अच्छा लगेगा। यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है, दुख तो ये है कि अभी अपनी सफे गिरती है, दुख तो यह है कि अभी अपनी सफे गिरती है, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। दुख तो यह है कि अभी अपनी सफेद गिरती, दुख तो यह है कि अभी अपनी सफेद गिरती है, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। साहब सिर्फ एक मुलाकात का जादू जो उतरता ही नहीं। बहुत खामोशी से सुनिएगा और ये सुनने के बाद याद करने के बाद टाइप कीजिएगा फिर ये समझ में। सिर्फ एक रात का जादू जो उतरता ही नहीं,
तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती, तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती। एक मतलब सुना रहा हूँ, अगर इस मसले की हिफाजत आपने कर ली, इस मसले की इज्जत रह गई, तो आगे की दो तीन फिर सुनाऊंगा, वरना मैं इस्तीफा कर लूंगा कि नहीं सुना भी काफी होगा। लेकिन मसला अच्छा है। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कि जब मैं राहत इंदौरी, मैं जब ये कहूँ कि मैं जो सुना रहा हूँ वो अच्छा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अच्छा बढ़िया। इस मसले की हिफाजत करने मेरे पीछे मेरी कुछ पनाही कर रहे हैं प्रोफेसर वसीम बरेली साहब और निजाम साहब और मेरे दूसरे साथी जो आज दाइश पर हैं। बेशतर लोग उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन अपने फन में, अपने इल्म में, अपनी शोहरत में, अपनी इज्जत में, सब में मुझसे सब बड़े हुए हैं। तो मैं इन सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस मतले की हिफाजत कर लें, ताकि मैं दो चेयर और सुना सकूँ। सुनिए ना भोपाल, जिससे मुझे तवक्को हमेशा रही। साहब जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। मदन मोहन रानी साहब ने कहा, कह रहा हूं मैं जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? जिंदगी को साज, साज जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? साहब उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना होने तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। साहब उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना होने, कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। साहब देखना तकरीर का, दो बरस से माफ कर दें मुझे बोलने के लिए थोड़ा सा, दो बरस से बड़ा चक्कर चल गया हमारे मुल्क में, मेरे मुल्क मेरे इस अजीज मुल्क में, कि मैसेजेस आते हैं मोबाइल पर। राज साहब वो शेर पढ़ना बंद कर दीजिए और वो पढ़ना शुरू कर दीजिए और उसका नाम लेना बंद कर दें और इसका नाम लेना शुरू कर दें। अगर आपने ये पढ़ा तो यूं हो जाएगा और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो ये हो जाएगा। हम साहब बहुत परेशान हो गए, तो हमने ना ये सोचा कि यार नाम लेना तो बंद ही कर दो। लेकिन इतने जहीन तरीन लोग हैं इस मुल्क के कि मैं जिसका नाम नहीं लेता हूं वो समझ जाते हैं, मैं जिसका नाम नहीं लेता हूं वो समझ जाते हैं कि ये जिसका नाम नहीं ले रहा है उसका नाम क्या है। साहब उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाम बिना हूं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना, नाम लेना बंद है, देखना देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। साफ खून में लथ मौसम तो फागुन कह दिया। एक शेर का मजा लेके बताइएगा, खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया उसको। गलती नहीं कर रहा हूं, खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया उसको। हर एक रोग का नुस्खा जबानी याद है,
मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा जबानी याद है, उसको हर एक रोग का नुस्खा जबानी याद है। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया आपका भोपाल के अच्छे लोगों। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया, घुल गए होंठों के सबके खट्टे मीठे जायके। अब ये चक्कर ही जगह इस खेल में कि मेरे जो साथी हैं सब के बारे में मैंने बता दिया कि बड़े शायर हैं, लेकिन सब चक्कर में पड़ गए कि यार फागुन भी हो गया और ये धुन भी हो गया और पुल भी हो गया, अब क्या होगा। आप सब चक्कर में एक दूसरे से मशवरा कर रहा है ये काफिया क्या है, लेकिन शायद मैं कुछ अलग लाऊँ। जी सर, मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया, घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन जामुन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई। कभी कभी मुशायरों में शेर भी सुनाना चाहिए, लेकिन मैं 50 साल से यही काम कर रहा हूँ तो तजर्बा ये है कि अगर कुछ हिम्मत करके निकाला जाए तो नुकसान ही होता है। तो लेकिन आप क्योंकि आपने बुलाया है तो इज्जत मेरी गाँव में ना कि आदमी के गाँव से सुनाता हूँ, लेकिन इसमें कुछ एक दो शेर ऐसे आ जाएँ जो आपके काम के हो जाएँ तो मुझे अच्छा लगे। मतलब सुनाता हूँ, कहता हूँ कि हमने खुद अपनी रहनुमाई की, हमने ये मतला जो सुना रहा हूँ दोस्तों भोपाल के मेरे भाइयों, अच्छा मतला है और पूरे देश में ये कहता हूँ कि जब मैं ये कहूँ कि अच्छा है तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छा है, ठीक है ना। अच्छा, कहता हूँ कि हमने खुद अपनी रहनुमाई की, इस पर नजर रखना पड़ेगा। ये बहुत तरक्की करेगा, अभी इसी साल भी देखे हुए हैं, अगर ये टेलोर यूनिवर्सिटी का है तो इस पर नजर रखना। इसलिए कि हिंदुस्तान में वो शख्स बहुत तरक्की करता है जो बगैर मतलब के बोलता ही नहीं। सख्ती से नजर रखना कि कहीं ये चाय तो नहीं बेचता। हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहर
بتائی کی، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی، اور شہرت ہوئی خدائی کی۔ میں نے دنیا سے، مجھ سے دنیا نے سینکڑوں بار بے وفائی کی، سینکڑوں بار دیکھیے شیر کتنے اچھے ہیں کہ یہ باہر کے لوگ پھٹا کے بول رہے ہیں، دیکھیے میری شاعری کا استعمال کر رہا ہوں ایک آپ لوگ۔ میں نے دنیا سے، مجھ سے دنیا نے سینکڑوں بار بے وفائی کی، آج وہ ٹوٹ کر ملا ہے مجھے، یہ شروعات ہے جدائی کی، آج وہ ٹوٹ کر ملا ہے، آج وہ ٹوٹ کر ملا ہے مجھے، کیا کہنے ہے، واہ، یہ شروعات ہے جدائی کی، یہ شروعات ہے جدائی کی، یہ شروعات ہے جدائی کی۔ اور سنیں دوستوں کے آسمان چومتا ہے میرے قدم، آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے سہارا لے کر یہاں تک آیا ہوں، پیروں نے بھی سلام کر لیا ہے، جن پیروں پر کھڑے ہو کر میں آج اس یونیورسٹی میں منٹو ہال میں شعر پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ میرے پیر نہیں ہیں، یہ آپ کی محبتوں کی بے ساکھیاں ہیں۔ میں نے پڑھا تھا کہ یہ شروعات ہے جدائی کی، یہ شروعات ہے جدائی کی، کھلے رہتے ہیں سارے دروازے۔ سنیے گا سر رشید بھائی اور نظام بھائی شیخ جی، یہ شروعات ہے جدائی کی، کھلے رہتے ہیں سارے دروازے، کوئی صورت نہیں رہائی کی، کھلے رہتے ہیں سارے دروازے، کوئی صورت نہیں رہائی کی، کوئی صورت نہیں رہائی کی۔ آج بھی شعر پڑھتا ہوں، توجہ نہ دیں، اس میں دعوت دے رہا ہوں میں آپ کو، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، کہ گھر پر جب چلے جائیں 11-12 بجے بعد میں رات میں سوچنا کہ یار کیا کہنا کیا چاہتا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جتنا سوچیں گے آپ میرا دعویٰ ہے کہ اتنا ہی ڈوبتے جائیں گے۔ اور یہ سلسلہ ان شاء اللہ سویرے تک کا ہے ان شاء اللہ، کہ میرا شعر سنا کے جا رہا ہوں میں، کہ کوئی صورت نہیں رہائی کی، کوئی صورت نہیں رہائی کی، میرے کمرے میں کچھ پرندوں نے انتہا کر دی بے حیائی کی۔